सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। फाइनली दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर सेल स्टार्ट हो चुकी है। इस सेल में हमें दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिलते हैं। चाहे आप मोबाइल ले लो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लो, आप कुछ भी खरीदो, इस सेल में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ऑफर बताऊँगा जो एप्पल के फ़ोन पर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग हैं जिन्हें सिर्फ एप्पल का फ़ोन चलाना अच्छा लगता है। एप्पल का कोई सा ही मॉडल हो, लोग सिर्फ एप्पल का फ़ोन चलाते हैं। दोस्तों, काफ़ी ऐसे ऑफर हैं जो हमें आईफोन के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ऑफर बताऊँगा जो एप्पल के कई आईफोन के ऊपर आए हुए हैं। क्योंकि दोस्तों, लोगों को सिर्फ आईफोन चलाना अच्छा लगता है, काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ आईफोन चलाना अच्छा लगता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको अच्छे अच्छे ऑफर के बारे में बताता हूँ कि कौन से फोन पर कितना ऑफर देखने को मिलता है और आप इन्हें किस तरीके से अच्छे डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हो। दोस्तों, इस सेल में आपको अच्छा ऑफर देखना तभी मिलेगा जब आपके पास SBI कार्ड होगा, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो। क्योंकि दोस्तों, इस सेल में हमें SBI के ऊपर 10% डिस्काउंट देखने को मिलता है। दोस्तों, पहले ऑफर की बात करें तो जा रहा है iPhone SE के ऊपर, जो कि दोस्तों सेल से पहले 38,000 रुपये का था, लेकिन अभी ये फ़ोन आपको 25,000 रुपये देखने को मिल जाएगा। और अगर आपके पास SBI कार्ड है तो ये आपको सिर्फ 25,000 रुपये कम कीमत पड़ सकता है, जो कि दोस्तों मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी डील है। क्योंकि दोस्तों, ये iPhone SE जो फ़ोन है, ये एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है, ये आपके हाथ में आसानी से ग्रिप हो जाएगा। काफ़ी छोटा फ़ोन है, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ऐसा फ़ोन चाहिए होता है जो ज़्यादा बड़ा ना हो और ज़्यादा छोटा भी ना हो। तो दोस्तों, ये फ़ोन आपके लिए परफेक्ट होगा। इसकी प्राइस दोस्तों पहले 38,000 रुपये थी, लेकिन ये सेल के अंदर आपको 23 से 25,000 रुपये के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी डील है। अगर आपको iPhone चलाना चाहता है तो आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो, काफ़ी अच्छी डील है दोस्तों। अब दोस्तों, दूसरे फ़ोन की बात करते हैं जो आती है दोस्तों iPhone XR के ऊपर। दोस्तों, इसका 64GB वाला वेरियंट अभी सेल से पहले 48,000 रुपये का था, लेकिन ये सेल के अंदर आपको 38,000 रुपये देखने को मिल जाएगा। और अगेन दोस्तों, आपके पास SBI कार्ड है तो इसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये फ़ोन आपको 35,000 रुपये का असर पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसकी डिस्प्ले थोड़ी बड़ी हो और दोस्तों जिसका कैमरा अच्छा हो, iPhone की ब्रांड हो, तो दोस्तों आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो। क्योंकि दोस्तों, इसका जो 64GB वाला वेरियंट है, ये आपको सिर्फ 35 या 36,000 के बीच में पड़ जाएगा, जो कि मैं कहूँगा दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है। अगर आपको iPhone चलाना चाहता है तब आप इसकी तरफ जा सकते हो, वरना दोस्तों एंड्रॉइड में काफ़ी ऑप्शन है इस प्राइस के ऊपर। दोस्तों, तीसरे ऑफर की बात करें तो जा रहा है एप्पल के iPhone 11 Pro के ऊपर, जिसका 64GB वाला वेरियंट दोस्तों आपको सेल से पहले 1,00,000 से ऊपर का था, लेकिन अभी जो सेल के अंदर आपको 80,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें काफ़ी अच्छे कैमरे दिए गए हों, काफ़ी अच्छा फ़ोन हो, एप्पल का सबसे लेटेस्ट डिवाइस हो, तो आप इस फ़ोन को ले सकते हो, जिसकी प्राइस दोस्तों 80,000 रुपये है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास SBI कार्ड है तो अगेन आपको इसमें ऑफर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये फ़ोन आपको 80,000 से भी कम कीमत में मिल जाएगा। दोस्तों, ये थे वो फ़ोन जिन्हें आप इस सेल में ले सकते हो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ। अगर आपको iPhone चलाना अच्छा लगता है तो आप इन फ़ोन की तरफ जा सकते हो। अब दोस्तों, बात करते हैं इन तीनों फ़ोनों में बेस्ट ऑफर की। दोस्तों, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑफर iPhone SE के ऊपर है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो प्राइस है 23 से 24,000 रुपये के बीच की है, सब कुछ डिस्काउंट लगाकर। दोस्तों, आप iPhone का कोई सा भी फ़ोन ले लो, चाहे वो 11 Pro हो या फिर XR हो या फिर SE हो, आपने देखा होगा कि Apple के जितने भी डिवाइस होते हैं, हमें सभी डिवाइस में एक ही अपडेट देखने को मिलता है। यानी दोस्तों, Apple जो भी अपडेट अपनी लेटेस्ट डिवाइस में भेजता है, वो अपडेट अपने छोटे डिवाइस में भेजता है। एंड्रॉइड के साथ दोस्तों इसमें कुछ नहीं होता कि आपका जो लेटेस्ट फ़ोन होता है उसमें हमें अपडेट देखने को मिलते हैं, लेकिन जो पुराने हो जाते हैं उसमें कोई अपडेट नहीं आता। लेकिन दोस्तों, उस तरीके से iPhone के, तो उस तरीके से दोस्तों Apple फ़ोन में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होती। Apple अपने सभी डिवाइस में नई नई अपडेट भेजता रहता है, चाहे वो डिवाइस पुराना हो या फिर नया हो, कोई सा भी हो, सब में दोस्तों एक से अपडेट आते हैं। दोस्तों, मैं कहूँगा अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो Apple कंपनी का हो, तो आप iPhone SE ले सकते हो, जिसकी प्राइस दोस्तों 23 से 24,000 रुपये के बीच की है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं तरी वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।